जिले में बिना लाइसेंस के भी लोग दवाएं बेच रहे हैं। कुछ ही तरह की शिकायतों पर औषधि विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए अंबाबाई में दुकान संचालक पर कार्रवाई कर दी। औषधि विभाग ने सिपरी थाना अंतर्गत अंबाबाई में बिना लाइसेंस की दुकान चलाते नंदराम के मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। छापेमारी में दुकान से कई तरह की दवाएं बरामद की गई। साथ ही दुकान संचालक वहीं अपना क्लिनिक भी चला रहा था। दुकान में लगभग 70,000 रुपये की दवाएं पाई गईं। कार्रवाई के दौरान असिस्टेंट ड्रग कमिश्नर अतुल उपाध्याय, ड्रग इंस्पेक्टर उमेश भारती व फूल सिंह आदि मौजूद रहे। मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कुछ दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। क्या सीजर किया? आज एक शिकायत के आधार पर अंबाबाई गांव में एक छापा डाला गया। वहां पर नंदराम के व्यक्ति द्वारा बिना लाइसेंस की दवाओं का भंडारण और विक्रय करते हुए पाए गए, जहां लगभग 70,000 की दवाइयां बिना लाइसेंस की सील की गई हैं और 2 नमूने जाँच हेतु लिए गए हैं, जिनको प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जाँच रिपोर्ट आने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। झांसी से विवेक तोहरे की रिपोर्ट।